यूपी के संभल में केंद्र सरकार द्वारा कृषि बिल संशोधन के विरोध में जनपद के किसान सड़कों पर उतरे और कलेक्ट्रेट परिसर में बैठकर सरकार के विरुद्ध धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने बिल को वापस लेने की सरकार से मांग की। किसानों ने बिल वापस नहीं होने पर 25 सितंबर किसान कर्फ्यू लगाने को सरकार को अल्टीमेटम दिया है। जनपद संभल के किसानों ने केंद्र सरकार द्वारा कृषि बिल संशोधन के विरोध में सड़क पर पैदल चलकर कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने केंद्र सरकार द्वारा कृषि बिल संशोधन को सिरे से नकारा। किसानों का कहना है कि इस बिल में मंडियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और किसानों को अपने अनाज का वाजिब दाम नहीं मिल पाएगा। कॉन्ट्रैक्ट खेती होने पर किसान मजदूर बन जाएगा, जिससे किसान बर्बादी की कगार पर पहुंच जाएगा। किसानों का कहना है कि इस बिल को जल्द से जल्द वापस लेकर सरकार अगर ये बिल वापस नहीं लेती है तो चरणबद्ध तरीके से आंदोलन जारी रखा जाएगा। 25 सितंबर को किसान कर्फ्यू लगाया जाएगा। किसी भी कीमत पर इस बिल को स्वीकार नहीं किया जाएगा। बीजेपी की सरकार किसानों को बर्बाद करने पर तुली हुई है। उद्योगपतियों के हाथ में कृषि की बागडोर देना चाहती है। आज हमारा पूरे प्रदेश में ये 3 अध्यादेश सरकार ने कल राज्यसभा में पास किए हैं, उनके विरोध में हम लोगों ने आज जिला मुख्यालय पर पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, कई प्रदेशों में हमने ये अपना कार्यक्रम करा है। पहले चरण में ये हमारा हो रहा है। 25 तारीख को हम इससे भी बड़ा कार्यक्रम, उसमें ये भी है कि किसान कर्फ्यू लगाया जाएगा और जब तक ये, मान लो कि जब तक ये हमारे तीनों काले कानून वापस नहीं हो जाता, भारतीय किसान यूनियन चैन से नहीं बैठेगी और इनकी जड़ें जो है पूरी तरह भाजपा सरकार गिराने का काम करेगी। इन्हें वोट नहीं दिया जाएगा, पूरी जनता इनका विरोध करेंगे हम लोग। ये हमारे खिलाफ, ये हमारे जेंट्स को छीन रहे हैं, हमारी खेती को छीन रहे हैं, दूध को छीन रहा है, फसल को छीन रहा है और किसी चीज का रेट देना नहीं चाहते। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ये जो है जो वापस हो तीनों अध्यादेश। और धान के क्रय केंद्र है, धान 1865 रुपये का है, उसमें जो 1513 रुपये MSP पर रेट था उसको भी साइड भी बंद कर दी। तो इनकी पूरी लूटने की साजिश है, किसानों को बर्बाद करने की, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लगाने की, खेती छीनने की साजिश है। इसको किसी कीमत पर यहाँ का किसान बर्दाश्त नहीं। मेरा बिजेंद्र यादव नाम है, मैं भारतीय किसान यूनियन के तहत का प्रदेश प्रमुख महासचिव उत्तर प्रदेश का। केंद्र सरकार ने अभी फिलहाल में ही कोरोना के दौरान 5 जून को 3 कृषि किसान विरोधी अध्यादेश जारी किए थे, उन्हें हठधर्मी से संसद की राज्यसभा और लोकसभा में पास करा लिया। वो अध्यादेश किसानों के लिए ऐसा समझो जैसे उन्होंने किसानों की मौत पर सान कर दी है। तो एक तो उन्होंने मंडी का अस्तित्व खत्म किया है, उससे किसान बर्बाद हो जाएगा। दूसरे, हमारे उन अध्यादेशों में सरकारी मूल्य पे, समर्थन मूल्य पे खरीद की गारंटी नहीं है। तीसरी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करा इन्होंने, अरे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से हमारे बच्चों को मजदूर बनाने की साजिश चल रही है, वो कर दिया। तो और आवश्यक वस्तु अधिनियम में फेरबदल कर रहे हैं। तो हमारी मांग है कि सरकार ने जो हठधर्मी से 3 कृषि अध्यादेश जो पास किए हैं उन्हें सरकार वापस ले, और वापस नहीं लेगी तो क्रमबद्ध हमारे आंदोलन जारी रहेंगे। आज हमारा ये कार्यक्रम है, 25वें हमारा जनता कर्फ्यू का राष्ट्रीय आमार पे जनता किसान कर्फ्यू लगाएंगे, बिल्कुल किसानों को कर्फ्यू की तरह हम करेंगे। तो इस सरकार से हमारी मांग है कि भाई हम किसानों से, किसान संगठनों से पूछें, किसानों से राय लें कि भाई इसमें, और ऐसे लोग हमारी मौत को लिख रहे हैं कि जो जानते ही नहीं खेती के बारे में। जिस तरह से नोटबंदी और GST के हर्ष देश बर्बाद हो गया, उसी तरह से इन 3 कृषि किसान विरोधी अध्यादेश से देश का नाश हो जाएगा और पूरी जनता को झेलना पड़ेगा। आज जो गरीब जनता 15 रुपये किलो गेहूं में रोटी खा रही है, वो गेहूं 70 रुपये किलो मिलेगा, जैसे बाबा रामदेव का आटा 42 रुपये किलो, शक्ति भोग का आटा 38 रुपये किलो, उत्तम भोग का आटा 40 रुपये किलो। इस तरह से जो हमारी 15 रुपये की चीज़ वो 40-42 में बेच रहे हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो जाएगी तो उसी तरह से जो गरीब जनता मजदूर है उन्हें 70-100 रुपये किलो ये आटा खरीदना पड़ेगा। हमारे किसान अपने लिए नहीं करता, किसान जो है जनता के लिए, किसान चींटी से लेकर हाथी तक का पेट भरता है, किसान गरीबों के लिए खिलाने को चल रहा है। तो हमारी मांग ये है कि 3 किसी किसान विरोधी अध्यादेशों को तुरंत वापस लिया जाए।